नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10 को मैंने क्या बोल दिया कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे अगर एक पॉइंट पी से मैं कोई कॉर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, एक पॉइंट पी से मैं एक कॉर्ड बना रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ सबसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी ये, ठीक है, कौन सी सबसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड बनेगी, तो सबसे शॉर्टेस्ट कॉर्ड तो देखो कौन सी बनेगी, समझो यहाँ पर अगर ये सेंटर है, ठीक है, और अगर यहाँ पर मैंने पॉइंट पी ले लिया, तुम इस तरह से अगर कॉर्ड बनाते जाओगे, देखो जैसे ये कॉर्ड बनाया, ठीक है, या ये कॉर्ड बनाया, फिर तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है, पर मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए, सबसे छोटा कॉर्ड चाहिए, तो सबसे छोटा कॉर्ड तो यही बनेगा जो क्या हो जाएगा पी और सी के क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं पूछ रहा हूँ कि एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, इस तरह से देखो, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है और मैं क्या चाहता हूँ कि ये यहाँ से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हो, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तभी होगा जब यहाँ पर बनने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर है, ये हमने स्ट्रेट लाइन में बात किया था कि एक पॉइंट से अगर मुझे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए लाइन से तो उस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्ट भी कर जाएगा, क्योंकि अगर सेंटर से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ किसी कॉर्ड पे तो वो क्या होता है कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये सबसे क्या होगी शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगी, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर शॉर्टेस्ट कॉर्ड विल बी अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू, ऐसे लिख लिया परपेंडिकुलर टू पी सी एंड bisecting at P, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है, shortest chord will be a chord perpendicular to PC, PC को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि perpendicular to the line joining the center and a point, ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया PC and bisecting at P, अच्छा अगर मैं biggest chord की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं पूछ रहा हूँ biggest chord बनाना है मुझे तो biggest chord तो क्या होगा diameter ही होगा जो point P से भी पास कर जाए और साथ में क्या हो जाए point C से भी पास कर जाए, ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो बिगेस्ट कॉर्ड अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तो बिगेस्ट कॉर्ड विल बी अ डायमीटर थ्रो पी एंड पासिंग थ्रो सेंटर, वैसे पासिंग थ्रो सेंटर तो लिखने की वैसे जरूरत ही नहीं है, पासिंग थ्रो सेंटर, आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है, बिगेस्ट कॉर्ड और शॉर्टेस्ट कॉर्ड की बात हो गई, आई होप ये चीज, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नोट क्या ले लिया, सॉरी पॉइंट ले लिया कि समझो यहाँ पर कोई दो पॉइंट दे रखा है ए और बी, ये ए दे दिया ये बी दे दिया, अब मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि कितने सर्कल यहाँ से पास कर सकते हैं, तो एक तो ये सर्कल यहाँ से पास कर गया इस तरह से, ठीक है, फिर क्या हो सकता है एक ऐसे सर्कल पास कर सकता है, फिर क्या हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी से सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा, तो ए और बी से सबसे छोटा सर्कल तो तभी होगा जब ए और बी क्या बन जाए उसका डायमीटर बन जाए, बाकी सबके लिए तो क्या होगा बाकी सबके लिए तो ये कॉर्ड बन रहा है, पर अगर ए और बी के लिए यहाँ पर ये डायमीटर बन जाए तब तो ये क्या होगा ये सर्कल सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल हो जाएगा, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ए और बी का सेंटर क्या हो जाए इन दोनों को बाइसेक्ट करके आ जाए तो ये सबसे क्या होगा सबसे छोटा सर्कल होगा, ठीक है, इस चीज को हमने याद कर लिया कि अगर दो पॉइंट से मुझे सर्कल बनाना है और सबसे छोटा सर्कल बनाना है तो मुझे ए और बी को डायमीटर के पॉइंट्स ही लेने पड़ेंगे, इसके अलावा तो और कोई भी सर्कल बना दो तो ए और बी क्या हो गया कॉर्ड बन गया तो क्या होगा सर्कल बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये चीज हमने नोटिस कर लिया। दूसरा हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि कोई भी दो पॉइंट अगर मेरे पास गिवन है, ठीक है, उस बात पर हम लोग फिर से आ रहे हैं, कोई भी दो पॉइंट अगर मेरे पास गिवन है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ इनफिनाइट सर्कल बना सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया पॉइंट 11 के अंदर ए पॉइंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इनफिनाइट सर्कल कैन बी पास्ड, ठीक है, और इसमें सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा जो ए और बी को क्या बना दे डायमीटर बना दे, बहुत सारे सर्कल पास करेंगे, ठीक है, तो यहां पर लिख दिया एंड स्मॉलेस्ट सर्कल विल बी व्हेन ए बी बिकम्स डायमीटर, आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्या किया, ठीक है, अच्छा अगर समझो मैंने समझो तीन पॉइंट दे दिए इधर,
अगर समझो मैं यहाँ पर तीन पॉइंट दे रहा हूँ, तो तीन पॉइंट में तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ही चुका था, ठीक है। इधर देखो, अगर तीन पॉइंट यहाँ पर दे दिया तो तीन पॉइंट से तो क्या होगा, ट्रायंगल बन ही जाएगा। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये कोलिनियर हो गया तब तो क्या हो गया, कोई काम का ही नहीं हो गया, तब तो क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल के लिए सर्कम सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर सर्कम सर्कल बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, सर्कल बन गया, इसका मतलब तीन पॉइंट्स इनफ हैं एक यूनिक सर्कल बनाने के लिए। ओके, मतलब इसको यहाँ पर कैसे लिख दिया, From three points, a unique circle passes. ठीक है, मतलब तीन पॉइंट से अगर यूनिक सर्कल पास कर रहा है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि सर्कल की अगर मुझे इक्वेशन निकालना है तो तीन पैरामीटर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। लाइन के लिए क्या था, दो पैरामीटर चाहिए था, सर्कल के लिए मुझे क्या चाहिए, तीन पैरामीटर चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने और एक चीज क्या नोट कर लिया, टू मेक द इक्वेशन ऑफ सर्कल वी नीड थ्री पैरामीटर्स। अच्छा, पैरामीटर बोलने का मतलब ये मत समझो वेरिएबल, मतलब मुझे कुछ तीन डाटा चाहिए होगा, ठीक है। तीन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, रिलेशन चाहिए होगा, या तीन कुछ गिवन क्वांटिटी होनी चाहिए, तब जाके मैं क्या कर सकता हूँ, सर्कल की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसकी बात कर लूँ, ट्रायंगल की बात कर लूँ, तो ट्रायंगल के एबीसी के कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए अगर मुझे यहाँ पर सर्कम सेंटर फाइंड करना है, तो एबीसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसका मतलब तीन चीज गिवन है, ये तीन चीज तो होना ही चाहिए। समझो अगर ए बी सी में से मैंने समझो सिर्फ ए और बी दे दिया और सी नहीं दिया, तब तो मैं सही सकता हूँ, और अगर सर्कम सेंटर नहीं बना सकता तो मैं सर्कम सर्कल भी नहीं बना सकता। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहा है। ओके फाइन, ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लिया यहाँ पर, प्रॉपर्टी 12, ठीक है। क्या किया, एक सर्कल बनाया ऐसे, यहाँ पर एक पॉइंट लिया इधर, ठीक है, पी बोल दिया इसको, यहाँ से मैंने क्या किया, टेंजेंट्स ड्रॉप कर दिए, एक ये टेंजेंट्स चला जाएगा, एक ये टेंजेंट चला जाएगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ पर एक सेंटर है सी, इसको यहाँ मैंने अगर यहाँ पर ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, 90 होगा, यहाँ पर ये भी क्या होगा, ये 90 होगा। अरे आप समझ में आ रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर दिया, और साथ में ए और बी को भी मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अरे आप समझ में आ रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पर थीटा है, तो ये एंगल भी यहाँ पर थीटा हो जाएगा। ओके, तो अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि देखो, ये पहली बात तो अगर यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी भी कॉर्ड पे, तो ये कॉर्ड क्या करेगा, पहले तो बाइसेक करेगा, ये बात भी समझ में आती है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, देखो ये वाले ट्रायंगल में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया, ये थीटा हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक एक चीज हमें क्या देखना है, पहली बात तो हमें ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पर पी से, कोई भी पॉइंट पी से, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉप करूंगा, तो वो सर्कल पे जाके लाई करेगा ए और बी पे, और इन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको चलो लिख लिया, एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। जैसे ए वाला क्या लिख लिया, From an external point, two tangents, लिखते जाओ मेरे साथ, two tangents can be drop बोल सकते हैं, या चलो drawn लिख दिया, ठीक है, two tangents can be drawn to a circle of equal length, ठीक है, सही है। इक्वल लेंथ मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक है, यहाँ पर सही है। अच्छा, ये जो यहाँ पर ये लिखा है कॉर्ड ए बी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ए बी को हम लोग इस तरह से बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऐसे लिख दिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में। अगर मैं पी के रिस्पेक्ट में अगर मैं पूछ रहा हूँ वॉट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो तुम क्या करोगे, हमेशा सिर्फ सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोई भी कर्व है, जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी यहाँ पर ऐसे कर्व ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, पॉइंट पी ले लिया, मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट पी का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था, तो मैं क्या कि यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉप किया, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉप किया, फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको तुम क्या करो, ज्वाइन कर लो, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, सी ओ सी, ठीक है। कोई भी कर्व हो, कोई जरूरी नहीं सर्कल हो, कोई भी कोनिक कर्व हो चलेगा,
हम लोग हमेशा इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। ओके, दूसरा हमें क्या पता चल रहा है, पहली बात तो ये है कि देखो ये इन इन क्वाड्रिलेटरल को देखो, कौन से क्वाड्रिलेटरल को बोल रहा हूँ मैं, क्वाड्रिलेटरल ए सॉरी पी ए सी बी, इनको देखो तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, देखो ऐसे कुछ बना है, ठीक है, यहाँ पर ये 90 है, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे कुछ बना है, यहाँ पर ये 90 है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पी और सी को एज ए डायमीटर बना दूँ, ठीक है, पी और सी को एज ए डायमीटर बना दूँ, और अगर यहाँ पर ये 90 बना रहा है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, एक सर्कल से तो पास हो गई है, समझ में आ रहा है ये चीज क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पी ए सी बी, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके लिए डायमीटर क्या है पर पी सी है, ठीक है, तो क्या किया, लिख दिया इसको कि ये यहाँ पर क्या है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विथ डायमीटर एस पी सी, ठीक है, पी सी को और मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, डायमीटर बोल रहे हैं। आई होप तुम्हें इसी समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी, पॉइंट पी मतलब क्या बोल दिया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल सकता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए और बी दिख रहा है, और फिर बाद में क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सब क्या है, कौन साइक्लिक पॉइंट्स हैं, वही चीज हो गई जो ऊपर वाला पॉइंट है, बेसिकली वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट पी ले लो, पॉइंट ए और बी ले लो, ए और बी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया टेंजेंट का, और यहाँ पर क्या है, सी क्या है, सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सब क्या है, कौन साइक्लिक पॉइंट्स हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग ने क्या किया। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या ले लिया कि समझो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सर्कल बनाया ऐसे, ठीक है, और उसको क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब कर दिया, मतलब ऐसे बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, टच करते हो, टच कर रहा है इसको इस तरह से, ये बना दिया, और यहाँ पर क्या बना दिया, ये बना दिया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, चलो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैंने डी बोल दिया, तो मुझे ये चीज पता है कि कोई भी पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉप कर रहा हूँ तो सेम होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या बोल देना चाहिए कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ए पॉइंट तो क्या है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये अल्फा हो जाना चाहिए, ये भी अल्फा होना चाहिए। चलो इसको भी मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर एस दे दिया, तो मुझे बताओ बी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये भी क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, मतलब बेसिकली सेम होना चाहिए। वैसे सी वाले पॉइंट से किया तो इसको क्या किया, गामा बना दिया, इसको गामा बना दिया, इसको डेल्टा बना दिया, ठीक है, और इसको क्या बना दिया, डेल्टा बना दिया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं ऐसे कर दूं ए बी प्लस डी सी, ठीक है, तो ए बी प्लस डी सी कितना देगा, अल्फा प्लस बीटा जो कि ए बी है, और डी सी यहाँ पर कितना है, डेल्टा, मतलब गामा प्लस डेल्टा हो गया। आई होप ये चीज क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर बी सी प्लस ए डी किया, तो यहाँ पर मैंने देखा ये कितना है, बीटा प्लस गामा, और यहाँ से कितना आ गया, अल्फा प्लस डेल्टा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को इंस्क्राइब करेगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, द सम ऑफ द अपोजिट टू साइड्स क्या होगा, सेम हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल दिया। ठीक है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सर्कल इंस्क्राइब्ड है तो उसके लिए क्या होगा, द सम ऑफ अपोजिट टू साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलो इस बात को लिख लिया, कैसे लिख लिया, सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं। ठीक है, इन विच सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड, ठीक है, इंस्क्राइब्ड आर इक्वल, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होगी, देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे आके। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, 13 प्रॉपर्टीज पढ़ ली सर्कल की। अब हम क्या करते हैं, सर्कल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, सबसे फर्स्ट